नमस्कार दोस्तों, ए आर लाइफ एंड टेक में आसर में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज एक प्रोडक्ट अभी अभी डिलीवर हुआ है और कार्क एटमॉस्फेयर लाइट, तो मैं आपको दोनों पैकिंग दिखा देता हूँ, जो पहले आई थी जो बाद में आई है, और क्या प्रॉब्लम हुई इस बारे में बता देंगे। मैंने लिंक उसमें भी दे दिया था, तो आप लोगों ने हो सकता खरीदा हो, तो इस चीज़ से सावधान रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तो चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें और फैशन बेल को क्लिक कर लीजिए। और बस बढ़ते हैं वीडियो में, पैकिंग उठाता हूँ मैं। तो ये यहाँ पर जो आज डिलीवर हुआ है उसकी पैकिंग है, ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह ये पैकिंग है, और जो पहले मैंने लिया था उसकी पैकिंग है ये। तो ये दोनों पैकिंग, कार लाइट वही है, वही जगह से मैंने बाई की, और ये दोनों की पैकिंग है चेंज। ये लंबी पैकिंग थी और इसको जब ओपन किया था तो यहाँ पर पूरा मतलब लाइट्स और वो चार्जर, उसका लाइटर पॉड सब था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको हम ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखा, यहाँ पर लाइट्स दिखी, ये देख सकते हैं लाइट्स हैं, चारों लाइट्स हैं, सेम क्वालिटी सब कुछ है, और ये डिब्बे में और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लाइट्स मिली, केबल भी वैसे ही है, सब प्रोडक्ट सेम है और पैकिंग सिर्फ चेंज। आईआर लेंस भी यहाँ पर, और ये यहाँ पर ये भी है, बट यहाँ पर सिगरेट लाइटर पॉड जो होता है, जो लाइटर होता है वो नहीं है यहाँ पर, जिससे पावर सप्लाई जाएगी, ऑन ऑफ की जो बटन मैंने दिखाई थी तो वो इसमें नहीं है। और उसके अगर इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पर इस प्रोडक्ट को मैं रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि जो इसमें मिलता है वो तो मुझे लेना ही है, और सिगरेट और यहाँ पर प्लस मैंने देखे इसको कर सकता हूँ, लेकिन इसको रिटर्न करना पड़ेगा। और हाँ, दूसरी चीज़, इसको ऐसे मैं रख भी लेता, बट इसमें रिमोट नहीं निकला है, तो रिमोट भी नहीं निकला यहाँ पर, तो रिमोट मिसिंग है, सिर्फ ये लाइट है, रिमोट मिसिंग है, और सिगरेट लाइटर पॉड मिसिंग है। तो ये किसी के साथ अगर ऐसा हो तो आप तुरंत रिटर्न कर दीजिए, और रिटर्न सिंपल है, मैंने आपको बता दिया था रिटर्न कैसे किया था, देख लेते हैं फिर से आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने लाइट मंगवाई थी, यहाँ पर देख सकते हैं सेम ही, और पहले का ऑर्डर भी पड़ा है, और ये यहाँ पर बाय इट अगेन, और यहाँ पर रिटर्न दिखा रहा है ये आज, तो यहाँ पर रिटर्न दिखा रहा है 23 अक्टूबर तक रिटर्न कर सकते हैं, बट मुझे तुरंत इसको रिटर्न करना है, क्योंकि अब यहाँ पर चले जाएंगे रिटर्न रिप्लेस पे। तो यहाँ पर रिटर्न पे चले गए, मेरा मिसिंग पार्ट और एसेसरीज, तो मिसिंग पार्ट और एसेसरीज ये मैं लिख दूंगा, क्योंकि इसमें पार्ट मिसिंग है, तो पार्ट मिसिंग है यहाँ पर। और इसमें वो आपको बता दूँ, यहाँ पर कमेंट्स में मुझे डालना है कि सिगरेट लाइटर पॉड मिसिंग दिखा दिया यहाँ पर, और स्विच जो सिगरेट लाइट पॉड ऑन ऑफ स्विच जो है वो मैंने बता दिया इनको कि मिसिंग है, और इसमें रिमोट मिसिंग, तो ये दो चीज़ें मिसिंग है यहाँ पर, तो दोनों चीज़ लिख दी है, और बस कंटिन्यू कर देना है और कमेंट कंटिन्यू। और यहाँ पर रिफ़ंड के लिए कह रहा है कि रिफ़ंड मुझे चाहिए, तो मुझे तो ये प्रोडक्ट दोबारा चाहिए, बट मुझे इसको लगता है दोबारा ख़रीदना पड़ेगा। आई एग्री रिटर्न्स MRP टैक्स अटैच, आई एग्री रिटर्न्स आइटम विद MRP टैक्स अटैच एंड द यूजर मैनुअल वारंटी कार्ड ओरिजिनल। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसके साथ, फिर भी ये इस तरह लिख रहा है, तो ठीक है। और अमेजन पे बैलेंस पे इसको अगर लेना है तो अमेजन पे बैलेंस पे ले सकते हैं, और नहीं तो बैंक अकाउंट पे। तो मैं इसको अमेजन पे बैलेंस पे ही ले लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे फिर से मंगानी है, तो अमेजन पे बैलेंस पे ले लेते हैं इसको, और रिफ़ंड कर लेते हैं तुरंत। तो यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया है मैंने, और पिकअप डेट जो भी है डालनी, 14 अक्टूबर को लिखी हुई है, तो यहाँ पर आज 13 है, कल 14 अक्टूबर है, तो ठीक है। पिकअप टाइमिंग जो देनी है, पिकअप टाइमिंग 7 से 1 है, 1 से इतने, तो किसी भी टाइम आप दे सकते हैं, 1 से 5-6 के बीच की, तो ये मैंने दे दी यहाँ पर, और ये सबमिट कर दिया। तो योर पिकअप शेड्यूल हैंडओवर आइटम ये सब लिखा हुआ है 24 तारीख के लिए, यहाँ पर मेल आ जाएगी, और ये सब रिटर्न आइटम, तो रिफंड 429 रुपये। ऑर्डर डिटेल में जाते हैं, तो 429 का ये मुझे पड़ा था, पहले वाला मुझे 478 पड़ा, 448 तक भी लिया है मैंने, 429 रुपये डील में था, तो 429 रुपये का पड़ा था मुझे, और 429 अब रुपये मेरे पास आ जाएंगे। अब इसको दोबारा अगर मुझे ख़रीदना होगा तो पहले मैं पे बैलेंस आ जाए फिर मैं खरीद लेता हूँ, अभी भी 437 रुपये का है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर सिगरेट लाइटर जो है ये मिसिंग है यहाँ पर, तो यही मिसिंग है यहाँ पर, तो इसी के लिए मुझे, और रिमोट इसका मिसिंग है, रिमोट की यहाँ पर फोटो, ये इस तरह का रिमोट, ये रिमोट भी मिसिंग है,
तो दो चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है, तो इसकी वजह से मुझे ये दोबारा रिटर्न करना पड़ रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इस तरह की लाइट। ये मैंने इंस्टॉलेशन आपको दिखाया था, इंस्टॉल भी कर दिया था और लाइट भी आपने वीडियो देखा होगा, तो बहुत अच्छा है, म्यूजिक सेंसर अच्छा है। लेकिन ये इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारे, और रिटर्न कर देंगे और पैसा आ जाएगा, फिर इसको दोबारा से ख़रीद लेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए, उनसे कहिए सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के वीडियो में रहता रहूँगा, कार से रिलेटेड अनबॉक्सिंग बहुत सारी आती है और इंस्टॉलेशन मैं बहुत सारे लाता रहता हूँ। तो अगली बार किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा बाय बाय।